नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल टिप्स एंड सॉल्यूशन में। और दोस्तों, अगर आपके पास प्रिंटर का बहुत सारा ड्राइवर इंस्टॉल है, ये तो फिर गलती से इंस्टॉल कर चुके हैं या तो कुछ काम से इंस्टॉल किए थे, तो उस कंडीशन में अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो किस तरह से रिमूव करोगे, इसी के बारे में मैं बताऊँगा। तो स्वागत है कि इस वीडियो को आप जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए टिप्स एंड सॉल्यूशन को और बगल में दिए हुए घंटी को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम कोई सा भी डॉक्यूमेंट हम खोल के एक बार उसको ट्रायल कर लेते हैं पहले, जैसे कि मैं ये वाला डॉक्यूमेंट खोल ले रहा हूँ। और उसके बाद जैसे मैं इसमें प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एप्सन पिक्चर में PM245 का ये ड्राइवर शो कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितने भी मैं प्रिंटर यूज करता हूँ वो वाले प्रिंटर का इसमें ड्राइवर शो कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये ड्राइवर नहीं चाहिए, ये फोटो प्रिंटर का ड्राइवर है जो बाल्टी टाइप का आता है, वो वाले प्रिंटर का ये ड्राइवर है और ये मेरे पास फिलहाल नहीं है और इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो उसको रिमूव हम कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आप पड़ेगा कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल में आप जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा प्रोग्राम में। प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा प्रोग्राम फीचर में, और इसमें आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्सन पिक्चर में PM245 प्रिंटर इंस्टॉल लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम जैसे डबल क्लिक करेंगे तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे इसको हम सिलेक्ट करेंगे ओके करेंगे ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो ड्राइवर इसमें इंस्टॉल रहे, इतना है कि हम जो भी हम प्रिंट करना चाह रहे हैं वहाँ पे वो शो ना करे, ये तो कहा जाए तो हमारे जो डिवाइस एंड प्रिंटर है उसमें शो ना करे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सीधा डिवाइस एंड प्रिंटर में। जब आप डिवाइस एंड प्रिंटर्स को खोलेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने में दिखाई देगा, जिसमें आपके जो प्रिंटर जितने भी प्रिंटर है आपके पास उसका ड्राइवर इसमें शो करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि हम ये वाली जो डिवाइस का ड्राइवर है उसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव डिवाइस, तो यहाँ हम करेंगे, उसके बाद यस करेंगे इसे, तो ये हट जाएगा। देखिए ये हट गया। अब जब भी आप वो प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे तो इसका जो डिवाइस का आइकन है वो बस डिलीट हुआ है, अगर आप उसको कनेक्ट करेंगे प्रिंटर को तो ये फिर से इंस्टॉल हो जाएगा, आपको दोबारा जो है प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा। तो उसको हम जानने के लिए हम चलते सीधे कंट्रोल पैनल में, और आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि उसका ड्राइवर अनइंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका जो ड्राइवर है अनइंस्टॉल नहीं हुआ है, बल्कि उसका जो आइकॉन है वो बस हटा है। तो उस कंडीशन में आप जैसे कि आप कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करोगे तो वो वाली प्रिंटर आपका शो नहीं करेगा। देखिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपने प्रिंटर के जो अनवांटेड आइकॉन है उसको आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अगर आपका कुछ सवाल है उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों, मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ में, कुछ और नए जानकारी के साथ। तब तक विदा दीजिए, जय हिंद जय भारत।